आइए प्रभु का वचन को और से देखेंगे प्रभु आशीर्वाद की पगली अध्याय नौ आयत में हम खड़ा है प्रभु आशीर्वाद की पगली अध्याय उसका नौ आयत मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण आज का हमारा क्लास है रेवलेशन प्रकाशीर्वाद के बाइबल स्टडी पार्ट 24-24 यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई उसके बारे में पिछले क्लास में हमने पढ़ा करना बोलते हैं मैं तुम्हारा भाई जैसे हमने सुना था लोग अपने आप को बिशप सुनाना चाहते हैं या राइट रेवरेंड या पोप या फादर बड़े बड़े मनुष्य के सामने इज्जत वाला पदवी के नाम लेना चाहते हैं लेकिन यूहन्ना जो यीशु मसीह का क्लोज रहा वो अपने आप को ये कोई भी बड़े नाम नहीं दिया वो बोलते हैं मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई उसी आयत में आज फिर हम खड़ा हो जाएंगे जब उसी आयत में जब हम पढ़ते हैं प्रेरित यूहन्ना का यीशु मसीह के साथ तीन रिश्ता यूहन्ना को यीशु मसीह के साथ तीन रिश्ता वो आयत में लिखा है क्या है वो रिश्ता पढ़िए मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ यीशु मसीह के साथ यूहन्ना का रिश्ता मैं तुम्हारा सहभागी हूं सहभागी कौन सा बातों में सहभागी क्लेश में सहभागी धीरज में सहभागी और राज्य में सहभागी ये काफी गहरी बात है सिर्फ यूहन्ना को नहीं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया हुआ हर एक विश्वासी हर एक सेवक यीशु मसीह के साथ ये तीन रिश्ता होना चाहिए हम एक दूसरे को पूछते हैं आपका यीशु मसीह के साथ क्या रिश्ता है आप बोलेंगे वो मेरा बाप है हम बोलेंगे हम उनका बच्चा है नहीं तो हम बोलेंगे वो हमारा उद्धार करता है वो हमारा चंगाई करने वाले ऐसा रंजन यहाँ पर यूहन्ना और कुछ बात बोले समझना बहुत जरूरी है बोलते हैं तुम्हारे भाई जो मैं यीशु का क्लेश में आपका सहभागी है राज्य में और धीरज में तुम्हारा सहभागी बहुत गहरी बात है उसमें एक एक के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ध्यान से सुना कौन सा बात तो मैं सहभागी मिलकर बोली क्लेश में सहभागी राज्य में सहभागी धीरज में सहभागी हम यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता का बेस यही यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता का बेस यही नंबर वन यीशु मसीह का क्लेश में सहभागी यीशु मसीह का क्लेश में सहभागी वो क्या इब्रानियों का पत्री चार बाग उसका 15 आयत थोड़ा पढ़िए और इब्रानियों का पत्री 13-12 भी पढ़िए यहां पर लिखा है क्लेश के लिए यीशु मसीह ने हमको एक आदर्श दिया एक नमूना दिया और इब्रानियों 4:15 में
हम पढ़ते हैं हमारा तुल्य हमारे समान क्या किया है यीशु मसीह ने क्लेश सहा है। कभी कभी आजकल नया मॉडर्न क्रिश्चियन के दिमाग में ये सोच है अगर किसी विश्वासी को क्लेश आया कोई शराब होगा या किसी ने कोई जादू टोना किया होगा या मैं बोलेंगे अगर किसी के जीवन में क्लेश है वो कोई गहरा गुनाह किया होगा कोई पाप किया होगा। मुझे अभी भी याद है मैं काफी साल पहले इंग्लैंड में सेवा के लिए किया मैं उधर एक पंजाबी इंग्लिश चर्च का पास्टर बन करके अचानक मुझे जबरदस्त बुखार हुआ जबरदस्त बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा सब लोग सो रहा है मैं मेरे कमरे में तड़प रहा है बहुत ज्यादा बुखार तो वो परिवार डर गया आके भी किसी पंजाबी डॉक्टर को फोन करके बुलाया तो मैं बेहोश में पड़ा गया लेकिन मुझे मालूम है क्या हो रहा है तो लोग बोले इतना प्रभु का महान दास है उसको क्यों इतनी बीमारी हुआ तो एक बुजुर्ग आपस में बोल रहे कोई कमी कटी हो गया होगा मैं सुन रहा है मैं अंदर सुन रहा है कोई कमी कटी हो गया होगा मुझे जवाब देने का ताकत नहीं था लेकिन वो जो बीमारी मुझे सोचने के लिए मजबूर किया है मैं क्यों गलत फासला लिया है पंजाब छोड़कर इंग्लैंड में पक्का रहने के लिए क्यों गलत फासला लिया है। मेरा वाइफ का और लिसा का वीसा रिफ्यूज हो गया मैं अकेला पड़ गया बीमार हो गया आखिर डिप्रेशन में आ गया तो आखिर मैंने फासला के मैं वापस जा रहा लंबी मुझे बोला वापस नहीं आना इतने भूखा मरेगा लेकिन मेरा परिवार का एक बच्चा ने फोन करके बोला अंकल अगर परमेश्वर का इच्छा है आपको पंजाब में खुदा ने आपको किसी भी कीमत पर वापस लेके आएगा तो आप पूछो परमेश्वर को परमेश्वर का क्या मर्जी है तो मैंने फैसला किया वापस जा रहा हूँ उसे कर दिया मेरा सीनियर पास्टर गोरा है वो मुझे जाने नहीं देते मैं फैसला किया मैं वापस जाना है उसके अंदर अंदर रात इमरजेंसी मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया हॉस्पिटल एडमिट है मैं फैसला किया प्रभु अगर तेरा मर्जी नहीं है मैं इधर रहना मैं वापस जाऊँ मैं अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना किया मेरी बीमारी भी ठीक हो गई उसके बाद मैं वापस आया उसका मतलब मेरे ऊपर परमेश्वर ने क्लेश डाला मेरे ऊपर के दबाव डाल रहा था मैंने राइट फैसला ले अगर मैं ठीक ठाक है मैं अपने आप को नहीं सोचना था इसी तरह हमारे जीवन में क्लेश आने के पीछे भी अलग अलग रीजन होते हैं कारण होते हैं इब्रानियों का पत्री 4:15 में 13-12 आयत पढ़े उधर लिखा है यीशु मसीह क्लेश सहकर हमारे लिए एक नमूना दिखाया और लिखा है हमारे समान उन्होंने क्लेश सहा है इसलिए आज हम उसी पॉइंट में ध्यान करते हैं एक विश्वासी को क्लेश आएगा कि नहीं और आएगा तो क्यों आना मैं दोबारा बोलना चाहता बहुत लोगों का दिमाग में विश्वासी को क्लेश नहीं आएगा एक बार यीशु मसीह को कबूल करेगा तो सारे बीमारी दूर एक गलत है यहां पर लिखा है यीशु मसीह क्लेश सहा हम भी उसका कदम पर चलना है क्लेश विश्वासी का क्लेश खास करके 4-3 कारण से एक विश्वासी को क्लेश आता है नंबर 1 यीशु मसीह के नाम के निमित्त नंबर 2 अगर हमने कोई पाप किया है उसका ताड़ना के रूप में क्लेश आ सकता है
नंबर थ्री टेस्ट, हमारे क्वालिटी को परखने के लिए हमको क्लेश में डाल सकता है। तीन कारण से एक विश्वासी के जीवन में क्लेश आ सकता है। ध्यान से सुनिए, एक विश्वासी के जीवन में जो क्लेश आते हैं सारे श्राप नहीं है, सारे क्लेश परमेश्वर का सजा नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में जो क्लेश आएगा हम अपने आप को परखना पड़ेगा, ये क्यों आया मेरे जीवन में क्लेश। पहली बात, ईश मसीह के नाम के मेरा प्रॉब्लम है, आप मुझे पढ़कर मदद नहीं करे मैं बड़े क्लास नहीं ले सकता, तो मैं सिर्फ आयत वैसे बोलकर जा सकता। अगर आप साथ साथ पढ़कर सुनाए तब कुछ फायदा हो सकता है। दूसरा कुरिन्थी 12:10, पहले पत्रोस दूसरी अध्याय 19-20, चार अध्याय 13-16 तक और 19 आए पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी 12:10, इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। प्रसन्न हूँ मसीह के कारण, मसीह के कारण उपद्रव बदना ये सब कुछ करने के लिए पौलुस क्या बोलते हैं, कौन है प्रसन्न हूँ, मैं खुश है। हम बोल सकता है मैं यीशु मसीह के लिए मार खाने के लिए खुश हूँ, हम नहीं बोल सकते। एक बार फिर आए तो पढ़कर क्लियर सुनाए, इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में बलदा कमजोरी हाँ, और निंदाओं में निंदा बेदना और दरिद्रता में दरिद्रता कंगाल या गरीबी आगे और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। प्रसन्न हूँ ये चार बात अगर हमारे जीवन में आएगा तो हम क्या करेंगे, ओ फोन कर पादरी साहब का दिमाग खराब कर, नहीं तो संडे बंदगी में आएगा तो यही गवाही होगा, मेरे लिए प्रार्थना करो पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो गया, ओ ये चीखा मारना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर पौलुस बोलते मसीह के लिए, बिल्कुल बोलिए मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए ये सब कुछ सहना हमारे लिए सौभाग्य होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको नमूना दिखाया। यीशु मसीह ने खुद बोला था दुनिया में तुम्हें संकट है, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला मेरे चर्च आ जाओ मेरे पास आ जाओ तेरा प्रेयर में लाखों रुपया आ जाएगा आपके बैंक में बैलेंस बढ़ेगा आपके ये होगा, यीशु मसीह नहीं बोला। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे लिए फिक्र करते मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करेंगे। यीशु मसीह ने बोला सबसे पहले मेरे राज्य का खोज करो उसका साथ में सब कुछ दूंगा, पर्टिकुलरली सोना देंगे पैसा देंगे आपको भूमि देंगे घर देंगे, ये नहीं बोला परमेश्वर। तो हमारे ड्यूटी है हम उनके लिए यीशु मसीह के लिए क्लेश सहने के लिए खुश रहे, हालेलुया, यीशु मसीह के लिए बदनाम सहने के लिए मार खाने के लिए खुश रहे, ये सब कुछ हमको भी सहना पड़ेगा। पहले पत्रोस 2:19-20, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ, यीशु मसीह के कारण अन्याय से दुख उठाता हुआ, दुख उठाते होगा क्लेश सहता है, क्लेश सहता है तो वे सुहावना है। क्या है सुहावना, सुहावना है मतलब वो लकी है वो सौभाग्य, ये बाइबल की बात है मेरा कोई नया तालीम नहीं है, लिखा है यीशु मसीह के कारण अगर आप क्लेश सहना पड़े यू आर ब्लेस्ड, आप धन्य हैं, आप लकी हैं,
समझे मैं क्या बोलते हैं, ये प्रभु के वचन में लिखा है, इसलिए तैयार रहे। बोले वेलकम वेलकम, जो आना आने दो, जो क्लेश आना आने दो, क्योंकि मेरा इधर स्टार लग रहा है, मेरा प्रमोशन हो रहा है, मेरा प्रमोशन, प्रभु ने मुझे धन्य मौका दिया है ताकि मैं प्रभु के लिए कष्ट सहन सके। 19 और 20 बना, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके भूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। अगर आप गलती करके माफ करेगा तो क्या लाभ है आगे। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, धीरज रखते हो, तो यह परमेश्वर का भाता है। आमीन। यह परमेश्वर का भाता है। हमारा विषय है क्लेश क्यों आते हैं विश्वासी को। 4 अध्याय पहले पत्रोस 4 अध्याय 13 से 16 तक, उसके बाद 19 आए। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। देखो वही सेम चीज यूहन्ना बोला हुआ, सेम पॉइंट ये पत्रोस बोल रहा है। पढ़ो बेटा फिर। पर जैसे जैसे कैसे कैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित हो। 19 इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हो वे भलाई करते हुए हालेलुया भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। आमेन। क्या समझा मैं चाहते हो दोबारा फिर पड़ी तेरा से फिर पड़ी। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। मैं एक बार मुझे याद आते हैं बहुत साल पहले हमने किसी किराए पर रहते थे, हमारे मकान मालिक का एक ही बेटा सरदार है, उसको किसी ने चोरी मारा और सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारे मकान मालिक का हमारे साथ काफी प्रेम था, हम भी उसको पापा बोलते थे। मैं हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया, वो बहुत प्यार करते थे उसका एक ही बेटा, उस समय मेरे ख्याल से 20-22 साल उम्र था। तो मैं रो पड़ा तो उनका पापा मुझे बोलते हैं कोई जरूरत नहीं रोना, कोई जरूरत नहीं, गुरु जी की मर्जी है, गुरु के लिए उन्होंने किया हो मेरे लिए तो खुशी की बात है। अपना सहा बेटा चूरी मारा मार करके हॉस्पिटल में पड़ा है, मौत के साथ लड़ रहा है, उनका बाप बोल रहा है मुझे खुश हूं मेरे गुरु के लिए उन्होंने मार का। एक दुनियादारी गुरु के लिए मार खाने से एक सरदार इतना खुश है, हमारे लिए जान दिया हुआ, हमारे लिए मार खाया हुआ, हमारे लिए खून बहाया हुआ, आपके लिए खून तक हमारे लिए बहाया हुआ, यीशु मसीह के लिए क्रोध उठाना हमारे लिए कितना सौभाग्य मौका है, कितना धन्य मौका है। हालेलुया। इसलिए विश्वासी लोग इस बात को समझ, उसके खिलाफ आज कल तो लोगों को लालच देके प्रजा टीवी में आते हैं, ये कलाम कभी टीवी में नहीं आएगा। हालेलुया। ये कलाम बड़े बड़े हजारों लोग इकट्ठा होने वाले चर्च में नहीं आएगा, और लोगों को गलत दिशा में लेके जा रहा है। सही मसीही जीवन हम परमेश्वर का वचन से सीखना है, बाइबल क्या कहते हैं हमने समझना है। दूसरी वचन में लिखा है एक सीढ़ी चढ़कर जिस तरह हम ऊपर मंजिल में जाते हैं इसी तरह यीशु मसीह क्लेश सहते 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 हम परमेश्वर के पास पहुंचना है।
हालेलुया। इसलिए विश्वासी का क्लेश आने का पहली पॉइंट कौन सा है? यीशु मसीह के निमित्त, यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के वजह से। और भी काफी आयत है, और भी काफी आयत है उसके विषय में। परमेश्वर का धन्यवाद। नंबर टू, एक विश्वासी के जीवन में क्लेश आने का दूसरी कारण, इब्रानियों का पत्र 12:6-11। क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। एक और क्लियर पढ़ बेटा। क्योंकि प्रभु, प्रभु जिसे प्रेम करता है, जिसके प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, ताड़ना भी करता है आगे, और जिसे पुत्र बना लेता है, जिसको पुत्र बना लेते हैं उसको कोड़े भी लगाता है, कोड़े भी लगाते हैं आगे। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, ताड़ना समझकर, दुख को ताड़ना समझकर सह लो आगे। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, वर्तमान समय में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो आप बताइए, इस जो वचन पढ़ा है उसी के अनुसार क्लेश का दूसरी कारण आप बताइए। ये जो है तभी अपने पढ़ा, उसे आप बोलना है क्लेश का दूसरा रीजन है। जोर से बोलो ना, हेडिंग क्लास है, जोर से बोलो, ताड़ना। हमारा घर में बच्चा होता है, हम बच्चों को प्यार भी करते हैं, साथ ही साथ ही क्या करते हैं, ताड़ना भी देते हैं। सभी घर में आपको बताऊं, मैं कभी कभी बोलते हैं, सबसे ज्यादा अगर बाप ने किसी बच्चे को मारा तो मुझे मैं विश्वास नहीं करेंगे। 18 इतना मोटा मोटा सोटी, जब तक टूटा तब तक मारते रहेगा, मारते रहेगा, मारते रहेगा, मेरे शरीर का कमर से नीचे तक खून पानी जाते रहेगा, इतना मारा मुझे मेरा बाप ने। बोले मच्छी का पूंज मिलता है, वो सुखा कर मारते हैं, अगर उससे मारेगा तो कभी चरम ठीक नहीं हो। उससे मारे मेरे पापा ने, स्पेशल मुझे मारने के लिए पूंज खरीद करके ले गए, आखिर जगम हो गए, सुखता नहीं। फिर पापा ने ही दुआ करके तेल लगाया, ठीक हो गई। बहुत मार खाया, लेकिन मैं कल भी ऑफिस में बैठकर मेरे पापा का फोटो देखकर मैं सोच रहा था, मेरे मम्मी से ज्यादा मेरे पापा ने मुझे प्यार किया। जितना उन्होंने मार खाया 1% भी मुझे गुस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे जो शिक्षा दिया है उसका वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं बोलने का मतलब, एक विश्वासी को क्लेश होने का दूसरी कारण है ताड़ना, पनिशमेंट। इसलिए हम परमेश्वर को अपने पिता पुकारते हैं, हम उनका संतान है, तो हमको भी नहीं पता शायद हम गलती किया नहीं किया, लेकिन ताड़ना मिलने से हम पूछ सकता है क्यों मुझे मारा, मुझे क्यों ताड़ना दिया है। कभी कभी हम गलती करते हैं, हमको खुद मारे नहीं होते, लेकिन ताड़ना मिलने से मालूम हो गया मैंने गलती किया है। हमारे गलती का एहसास करने के लिए, हमको सही शिक्षा में चलाने के लिए, हमारा फ्यूचर सही होने के लिए हमारे माँ बाप हमको ताड़ना देते हैं। इसी तरह परमेश्वर भी करते हैं। मैं जब बाइबल कॉलेज पढ़ते थे केरल में, मैं सारे मेरे टीचर लोगों को सिरदर्द बना, उल्टा पुल्टा सवाल पूछना, टीचरों को घुमाना, बड़े अभिषिक्त लोग पढ़ाते हैं। एक बार कोई भी टीचर आए मैं उल्टा सवाल पूछेगा तो मुझे गेट आउट, समझो, गेट आउट।
मैं पागल नहीं रहता, मेरा दिमाग ही कोई सही से रहता, मैं सारे उठा पुटा सवाल पूछते थे। एक बार क्या हो गया, टीचर लोग मेरे वजह से दुखी हुए, क्या हुआ, मैं जाते जाते साइकिल से एक्सीडेंट हुआ, साइकिल से कोई टक्कर मारा, कुछ नहीं गिर गया, पूरे शरीर में चोट लगी, उड़ नहीं पा रहा। मेरे साथ जो स्टूडेंट्स है वो मुझे उठाकर टॉयलेट लेके जाते थे, ठीक ही नहीं हो रहा, एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ता हो गया, तो आखिर मेरे के टीचर सभी लोग शाम गिर के ठीक नहीं हो रहे, तो एक टीचर बहुत अभिषिक्त था, तो मेरे पास आकर बोला शाम ये क्यों आप ठीक क्यों नहीं हो रहे, मान मल्ली साइकिल से गिरा, आप क्यों ठीक नहीं हो रहा। उन्होंने बोला आइए प्रार्थना करते हैं, आप खुद सोचो खुदा ये क्यों, एक्सीडेंट तो मान मल्ली है लेकिन मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा। प्रार्थना की, एकदम मुझे याद आया मैं मेरे एक टीचर के साथ फालतू बोला था, मैं रोया, उन्होंने मुझे बोला सांप क्यों रोते हैं, बोलते हैं मैं एक सांप के साथ फालतू बोला था, बोले वो सार आएगा तो माफी मांग लेना, दे दो मांग, बस उसी दिन में ठीक हो गया। ऐसे बहुत अनुभव है, मेरे एक जीजा पेड़ में पौड़ा हो गया, बहुत ही राज्य किया ठीक नहीं, वो अमेरिका जाने वाला है, उनका सभी लोग अमेरिका में सेटल है, मेरे एक ही बहन का एक मासी क्या उसका हस्बैंड है दीजा, आंखी नहीं ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा। प्रार्थना सारे नबी लोग आकर प्रार्थना करते हैं ठीक नहीं, इसी तरह की एक प्रभु का दास आकर प्रार्थना की, प्रभु का दास वो भी एक प्रभु का दास है, पास्टर है, बोलते हैं आप एक पास्टर हो, आपके अंदर एक बीमारी आया है, ठीक ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे का कारण होगा क्या है। उन्होंने बोला मैं समर्पण किया था, मैं उत्तर भारत में सेवा करूंगा, वो समर्पण जोड़कर अमेरिका में सेटल होने के लिए फैसला ले लिया, बस हो गया काम। खुदा से माफी मांगा, मैं आपको बोलने चाहते हैं प्रार्थना के बाद वो पेड़ फट गया, अपने आप फट गया, फटकर पेड़ के अंदर से सारे गंदगी जैसे मड़का से पाली जाते हैं ऐसे गंद निकला, ठीक हो गया, कुछ महीना हो गया उसका डेथ। मैं क्यों ये बात बोलते हैं, हम कभी कभी देश ये क्लेश क्यों, ये क्लेश क्यों, आपको मालूम है। इसलिए बात समझना, एक विश्वासी के जीवन में, एक सेवक के जीवन में क्लेश आने का दूसरा रीजन है हमारा छोटे मोटे गलती के लिए हमारा बाप ने हमको क्या करता है, ताड़ना देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, वो हमको खत्म करने के लिए नहीं, वो हमको नाश करने के लिए नहीं, हमारा सुधार के लिए, हमारा पवित्रताई के लिए, हमारा अच्छा सुरक्षा के लिए हमारा बाप ने हमको ताड़ना देते हैं। इसलिए याकूब के पत्र में मेरे ख्याल से 5 आयत में एक आयत है, अगर तुम में कोई रोगी हो, अगर अपन से मदद कर सकता है पुत्र मदद पढ़ो, याकूब का पत्र 5 अध्याय कौन सा आयत है, जल्दी पढ़िए, यदि तुम में कोई रोगी है, सभी लोग बाइबल देखे ना, उसमें एक बड़ा भेद है, यदि तुम्हें कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, खुदा का प्राचीनों को बुलाए आगे, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, पढ़ो पढ़ो, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा आगे, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। अब इधर देखिए सवाल है मेरे पास, ये सारे बात अभी हो रहा है ना, अगर कोई बीमार है तो किसको बुलाए, प्राचीनों को बुलाए, पादरी साहब को बुलाओ,
वो आपके लिए क्या करे, प्रार्थना करते है। और विश्वास के साथ प्रार्थना जो लिखकर क्या करते है, विश्वास के साथ भी हम प्रार्थना करते है। उसके बाद कैसे प्रार्थना करना, तेल है, तेल लगा के प्रार्थना करना, लिखे कि नहीं, तेल लगा के। इसीलिए आजकल तेल लगा लगा के और तेल पीने के लिए देना शुरू कर दिया, लेकिन तेल पिलाने के लिए बाइबल में नहीं है, तेल मालकर प्रार्थना करने के लिए लिखा है। आज तेल का काम बहुत है आजकल, है ना। पिछले दिनों में मैंने एक चर्च में किया, वो पास्टर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते थे हमारे संस्था में, तो मैं उनके चर्च में गया। हमसे भी बड़ा चर्च है, बड़ा भीड़ है, लेकिन उस चर्च का एक शेल्फ पूरा छोटा बड़ा बोतल तेल से भरा हुआ, धंधा शुरू किया हुआ। आज तेल का बिजनेस बहुत चल रहा है, प्रार्थना भी बहुत चल रहा है, चंगाई देने वाले पादरी लोग भी बहुत है, प्राचीन लोग भी बहुत है, फिर भी चंगाई नहीं होते है। क्यों नहीं होते है? उसका एक सीक्रेट वहां लिखा है, आप बोलिए। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आगे रोगी बच जाएगा आगे, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा आगे, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। आप बताइए, बीमारी की चंगाई के साथ लिखा हुआ एक नियम है, यदि वो पाप किया हो उसका क्षमा किया जाएगा। तो आप बोलिए, बीमारी से चंगाई मिलने के लिए क्या जरूरी है, वो सब बोलिए, पाप की क्षमा जरूरी है। अगर पाप की क्षमा चाहिए, माफी मांग रहे हैं, आप माफी मांगो तभी आपको चंगाई मिलेगा। आपको मालूम है दिन रात ऑफिस में लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, हमारे विश्वासी लोग भी आते हैं, बाहर से भी होते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है, बात सारे सुनेंगे उसके बाद पहले बोलेंगे आपके अंदर एक गलती है, सुधारो जल्दी। हालेलुया, इस बात को सुधारो, नहीं तो कोई भी पास्टर प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। विश्वासी लोग समझिए, आप जब बीमार होते हैं, कोई भी पास्टर लोग प्रार्थना करने से आपको चंगाई के मतलब नहीं है, चंगाई मिलने के लिए आपका पाप का माफी, पाप से शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। ये चीज चर्च में सिखाते हैं, प्रार्थना करो जी, ठीक है प्रार्थना करो जी, चंगाई के पीछे क्या जरूरत है, पाप की क्षमा, पाप की क्षमा। आने वाले दिनों में और भी दो बात अगले हफ्ते बताएंगे। क्लेश का पीछे रीजन है, उसमें से दो रीजन में आज बोला। नंबर वन, क्लेश विश्वासियों के जीवन में क्यों होते हैं, नंबर वन यीशु मसीह के निमित्त, यीशु मसीह के लिए हम क्लेश सहना पड़ते। नंबर टू हमारे जिंदगी क्या कमी कट्टी के वजह से हमको ताड़ना के रूप में क्लेश आ सकता है। इसलिए कोई बीमारी आएगा तो सीधे बाबा का पास जाने से, कोतिया जाने से, नरूला का पास जाने से, हाँ प्रभु का दास विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा तो आपको चंगाई मिल जाएगा, लेकिन दो दिन के बाद फिर दोबारा आएगा। अगर आपको सही चंगाई चाहिए, यीशु मसीह को बोलो मेरे जीवन में गलती क्या है, आपका कमी कट्टी को यीशु मसीह के सामने पेश करके पवित्रदाई के साथ प्रार्थना करो, तब आपको कामिल शिफा मिल जाएगा। आइए प्रार्थना करें, अपने सर झुकाइए।